हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे, वो भी एनिमेटेड। उसके लिए जो मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो ये है। तो क्योंकि आपको किसी ना किसी तरीके एक इमेज यूज़ करनी पड़ती है स्प्लैश स्क्रीन के, अगर आपने बनाई होगी पहले तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ हम बनाएंगे वो होगा हमारा नेविगेशन फंक्शन, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बनाया था, पर वो मैंने एक अलग फाइल बना के किया था। पर यहाँ पे मैं मेन एक्टिविटी के अंदर ही एक कंपोजेबल फंक्शन बना रहा हूँ नेविगेशन का। तो सबसे पहले उसमें भी मैंने जैसे कि बनाया था नैव कंट्रोलर। नैव कंट्रोलर बेसिकली नेविगेशन के लिए यूज होता है, तो रिमेम्बर नैव कंट्रोलर करके हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। और उसके बाद हमारा नैव होस्ट बनेगा, जिसके अंदर हम आपका नैव कंट्रोलर पास करेंगे पैरामीटर के अंदर, और फिर स्टार डेस्टिनेशन के लिए बताएंगे, यानी कि किस डेस्टिनेशन से, यानी कि किस स्क्रीन से हमारा नेविगेशन स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हमें बेसिकली दो स्क्रीन है हमारे पास, एक है स्प्लैश स्क्रीन और है दूसरी हमारी मेन स्क्रीन। तो स्प्लैश स्क्रीन से हमारा एनिमेशन, यानी कि हमारा नेविगेशन चालू होगा, और फिर हम एक ग्राफ बिल्डर बिल्ड करेंगे, जैसे कि सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, सिर्फ दो ही स्क्रीन है हमारे पास, तो हम दो स्क्रीन के लिए दो कंपोजेबल तैयार करेंगे। एक कंपोजेबल हमारा स्प्लैश स्क्रीन का हो गया, यानी कि जो हमारा रूट है वो स्प्लैश स्क्रीन हुआ। दूसरा जो हमारा रूट होगा वो हमारा मेन स्क्रीन का होगा, तो उसके लिए हम कंपोजेबल बनाएंगे एक और इसके अंदर हम पास करेंगे मेन स्क्रीन। अगर आप देख रहे होंगे तो रिटर्न जो कर रहा है हमारा फंक्शन वो है नैब बैक स्टैक एंट्री। तो अगर स्टैक आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे बैक स्टैक एंट्री हो रही है नेविगेशन के अंदर। और फिर हम यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन का जो कंपोजेबल है, अब उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। स्प्लैश स्क्रीन में बेसिकली हमें क्या क्या शो करना है उसके लिए यहाँ पे एक कंपोजर का फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले तो एक हमारा बॉक्स बनेगा, और उस बॉक्स के अंदर पहले इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, और फिर हम कंटेंट अलाइनमेंट देंगे इसका। कंटेंट अलाइनमेंट बेसिकली अलाइनमेंट डॉट सेंटर ही एक्चुअली रहेगा, क्योंकि वही करना पड़ेगा हमें, सेंटर ही चाहिए हमें इमेज को, हमें सेंटर में करना है। और फिर सिंपली एक मॉडिफायर बनाएंगे, इसके अंदर हम आपको आपकी विड्थ और साइज जो भी आप देते हैं हम लोग वो सब यहाँ पे देंगे। और मैंने यहाँ पे साइज कर दिया है, जो कि बेसिकली इमेज है, तो इसके लिए यहाँ पे एक बॉक्स का जो है यहाँ पे साइज मैंने डिफाइन किया है। और फिर यहाँ पे इमेज जो है उसको हम यहाँ पे अब सेट करेंगे। तो इमेज जैसा सेट करते हैं, अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल वीडियो देखा होगा जेट पैक कंपोज पे, तो सिंपली एक इमेज आपका फंक्शन की टाइप से ये हम ओपन करते हैं, उसके अंदर एक पेंटर रिसोर्स देते हैं, जिसके अंदर हमें आईडी देते हैं अपनी r.drivable.splash.img, मेरी यहाँ पे आईडी है। और फिर हम यहाँ पे कंटेंट जो उसका देंगे, हालांकि इसमें कुछ आ नहीं रहा है, आई थिंक कंटेंट डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने कॉमा गलत जगह पे लगा दिया है, मैंने फंक्शन ही बंद कर दिया, और अब आ जाएगा कंटेंट डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ यू कैन सी आ गया है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन देंगे। कंटेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन है, तो वही स्प्लैश इमेज लोगो यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, इमेज नहीं रहता है। और तो इस तरह से इमेज हमारा डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पे हम एक स्प्लैश स्क्रीन आई गेस कंप्लीटेड लग रही है मुझे, हाँ यहाँ पे अब हम करेंगे एनिमेशन के लिए। तो एनिमेशन बेसिकली क्या है कि जब भी ये स्क्रीन ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, तब तब ये जो है हमारा स्केल जो होगा वो एक वैल्यू सेट करेगा। तो उसके लिए हम रिमेम्बर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई वैल्यू को सेट करना होता है एक बार, यानी कि अगर रिकम्पोज हो रहा है कोई भी कंपोजेबल, तो इस वैल्यू को बार बार वो चेंज ना करें, बार बार इनिशियलाइज ना करें, इसके लिए हम रिमेम्बर उसका इस्तेमाल करते हैं। एनिमेटेबल इसको बनाएंगे, इस इनिशियल वैल्यू जिसकी 0f होगी, यानी कि जिस पोजिशन पे है उस पोजिशन पे रहेगा, और बेसिकली जीरो एफ का मतलब यही हुआ। फिर हम लॉन्च्ड इफेक्ट ला लेंगे, जो कि हमारा एक कोरूटीन स्कोप होता है, और लॉन्च्ड एक्चुअली LAUNCHED लॉन्च्ड इफेक्ट, और की वन यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ब्लॉक को हटा देंगे, और क्योंकि ब्लॉक की ज़रूरत हमें एक्चुअली है नहीं, तो इसलिए इसको हटा देंगे। और अब हम यहाँ पे अपना कोरूटीन स्कोप खोल देंगे, ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारा स्केल है उसको चेंज करेंगे। और उसमें क्या चेंज क्या करना है, मतलब एक एनिमेट हम उसको करेंगे, तो एनिमेट टू जो हमारी स्केल की जो वैल्यू है 0f है, तो वहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले टारगेट वैल्यू, जो कि मैं यहाँ पे एक 0.4f दे रहा हूँ, और आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आप चाहें। फिर एनिमेशन का आपका स्पेक होगा, और ये आपका मैं यहाँ पे ट्विन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्विन एनिमेशन को कर रहा हूँ,
और इसको आप चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एनिमेशन वाला जो हमारा मेरा जो जेट पैक कंपोज पे ट्यूटोरियल था उसमें एनिमेशन का भी था, तो उसमें भी मैंने दिखाया था दो तरीके के एनिमेशन किए थे मैंने। और फिर यहाँ पे हम ड्यूरेशन सेट करेंगे, ये एनिमेशन का ड्यूरेशन है एक्चुअली कि कितने सेकंड के लिए एनिमेशन होगा। फिर ईजिंग को हम यहाँ पे सेट करेंगे, जो कि ईजिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, एक हम यहाँ पे टाइमिंग सॉरी टाइमिंग नहीं देंगे, और यहाँ पे हम इसको एक्चुअली फ्लोट कितना करना है हमें, कितना इसका ओवरशूट इंटरपोलेटर रहेगा हमारा, वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 2F कर दिया है और गेट इंटरपोलेशन कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी इट करके। और इसके बाद हम जो है यहाँ पे सिंपली डिले करेंगे कुछ, क्योंकि अब हम यहाँ पे कुरुटीन स्कोप में है तो हम डिले कर सकते हैं इसलिए। तो 3500 सेकेंड यानी कि 3.5 सेकेंड का डिले करेंगे, यानी कि जो हमारा नेविगेशन स्क्रीन पे वो हमको लेके जाना है इसको, तो उस चीज़ के लिए है यहाँ पे। और नैप कंट्रोल का इस्तेमाल मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद ओके मैंने पैरामीटर में सेट नहीं किया नैप कंट्रोलर। तो पहले इसको पैरामीटर में सेट करते हैं नैप कंट्रोलर को, और नैप कंट्रोलर अब हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे नैप कंट्रोलर को, जिसको हम यहाँ पे पास करेंगे, हालांकि जब हम वहाँ पे रन इसको वहाँ से कॉल करेंगे। तो नैप कंट्रोलर डॉट नेविगेट करेंगे, नेविगेट कहाँ से कहाँ तक करना है हमें उसके लिए है। तो नैप कंट्रोलर डॉट नेविगेट मेन स्क्रीन एंड एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्चुअली कंपोजेबल में आएंगे सीधे अपने, और यहाँ पे हम बनाएंगे स्प्लैश स्क्रीन नैप कंट्रोलर इक्वल टू नैप कंट्रोलर, फिर कंपोजेबल मेन स्क्रीन में एक बॉक्स मॉडिफायर बॉक्स बनाएंगे, इसमें मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, और इसके बाद हम सिंपली इसमें एक एक्चुअली टेक्स्ट कर देंगे। और क्योंकि और इसमें कुछ मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगा अभी, क्योंकि हम स्प्लैश स्क्रीन के बारे में बात करने वाले हैं, तो बाकी कुछ करना भी यहाँ पे लाजमी नहीं बनता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट को सेट कर देंगे, जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे एक्चुअली नोट डेवलपर ही कर सकता हूँ, चैनल का नाम मेन स्क्रीन करने से कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसको एक्चुअली हटा देते हैं, इसको नोट डेवलपर ही कर देते हैं, क्योंकि इतना सब लिखने से कोई फायदा नहीं, सीधे नोट डेवलपर लिखते हैं, जो हमारा चैनल का नाम है यहाँ पे, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोट डेवलपर टेक्स्ट दे दीजिए, उसके बाद टेक्स्ट के बाद आप उसके कलर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर डॉट क्या कर दें, यहाँ पे वाइट कर दे रहा हूँ। ओके नाउ कंपोजेबल हमारा मेन स्क्रीन सेट हो चुका है, कंपोजेबल हमारा स्प्लैश स्क्रीन भी सेट हो गया है। अब सिंपली यहाँ पे नेविगेशन को कॉल कर देंगे, और नेविगेशन के थ्रू यहाँ पे हर किसी फंक्शन को कॉल होगा। और एक यहाँ पे हम सरफेस को यहाँ पे सेट कर रहे हैं, कलर आपका कलर डॉट मैं ब्लू सेट करना चाह रहा हूँ। ओके ब्लू सेट कर देता हूँ मैं, क्योंकि बाकी कोई कलर मुझे समझ नहीं आ रहा। और इसके बाद बेसिकली ब्लू एंड मॉडिफायर सेट कर देंगे, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, फिर अंदर हम कुछ नहीं करेंगे और नेविगेशन को इसके अंदर डाल देंगे नेविगेशन को। तो ये हमारा पूरा सेट हो चुका है, स्केल हमने कर दिया है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है उसको चेंज करेंगे, जो कि हमारी स्केल की है। तो यहाँ पे मॉडिफायर ओके मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट स्केल, स्केल डॉट वैल स्केल डॉट वैल्यू जो हमारी थी। तो अब यहाँ पे एनिमेशन को यहाँ पे ये सेट करेगा इस पर्टिकुलर इमेज पे। अगर आप रन करके देखते हैं हम लोग, तो यू कैन सी ट्यून हुआ, हाँ काफी कम समय के लिए हुआ, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्चुअली चेंज करके देख लेते हैं, हालांकि दूसरी स्क्रीन पे आ गया है। तो एक बार इसको थोड़ा चेंज, ड्यूरेशन इसका मिली सेकेंड जो 600 है इसको हम चेंज करके कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं, ओके 1000 कर लेते हैं एक्चुअली, और 1000 करके देखते हैं। अब अगर रन करके देखते हैं इसको तो शायद कुछ शो हो जाए। ओके रन हो रहा है, लेट्स सी। ओके ओके नाउ यू कैन सी ट्वीट हुआ हल्का, बहुत थोड़ा सा अब की लगा कि हाँ कुछ हुआ है। तो ये आपका नेविगेशन हुआ। तो
इस तरह से था ये स्प्लैश स्क्रीन एनिमेटेड जो हमने बनाया जेटपैक कंपोज का, एंड्रॉयड जेटपैक कंपोज का। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर कोई सवाल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।